अस्सलाम वालेकुम जी। आज चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है एंड ऑफ टर्म, यानी मुद्दत का खात्मा, बाय डेविड डाइचेस। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मुझे एक कमेंट आया था कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्पीक अ बिट स्लो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ट्रांसलेशन की। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। स्टार्ट करते हैं जी। आई बिलीव, मुझे यकीन है, अ स्कूल टीचर, एक स्कूल के उस्ताद ने रोट लिखी थी अ बुक, एक किताब, सम कुछ years, सालों अगो, कबल, विद साथ, टाइटल अनवान के, फ्राइडे जुम्मा, थैंक गॉड, शुक्र है खुदा का। मुझे यकीन है एक स्कूल के उस्ताद ने लिखी थी एक किताब कुछ सालों पहले, साथ अनवान के, जुम्मा, शुक्र है खुदा का। दैट, ये फ्रेज, फिक्रा या जुमला, एक्सप्रेसेस, इजहार करता है परफेक्टली, बेहतरीन अंदाज में, माय एटीट्यूड, मेरे रवैये का, टू द अराइवल, आमद को, ऑफ द वीकेंड, हफ्ते की, ड्यूरिंग, दौरान, टर्म, टाइम, मुद्दत के वक्त, व्हेन, जब, आई वाज, मैं था, अ स्कूल बॉय, एक स्कूल जाने वाला लड़का। फ्रेज ऐसा फिक्रा होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद नहीं होते। पिछली वीडियोस जो मैंने पंक्चुएशन की बनाई है, उसके अंदर मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है कि फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस, इन सब का क्या डिफरेंस है। ठीक है, उनको आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली और डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगी। अभी इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी इस लेसन को पढ़ते हैं। ये फिक्रा इजहार करता है बेहतरीन अंदाज में मेरे रवैये का, जो आमद पर होता था, हफ्ते की, दौरान, मुद्दत के वक्त, जब मैं एक स्कूल जाने वाला लड़का था। अब यहाँ पे टर्म, टाइम जो है, ये मुद्दत का जो वक्त अभी ये मेंशन किया गया है, ये है मंडे टू फ्राइडे, जो एक्टिव डेज थे स्कूल के, जब बच्चों की तालीम जो है उसका ख्याल किया जाता था, पढ़ाया जाता था उनको। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन बनते हैं, और डेविड डाइचेस कह रहा है कि वीकेंड का, यानी सैटरडे और संडे का, जो बच्चों को स्कूल के, और खासतौर पे उसको जो इंतजार होता था, उसकी जो फीलिंग है, उसका जो रवैया था उस वीकेंड की तरफ, सैटरडे और संडे की तरफ, ये फिक्रा उसका इजहार कर रहा है, उसकी, उसके एटीट्यूड का, उसकी फीलिंग्स का। जुम्मा, थैंक गॉड, यानी थैंक गॉड लास्ट डे है। टर्म, टाइम, यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो टर्म है, एक कंप्लीट हफ्ते की, एक शेड्यूल जो है स्टडी का, अब वो लास्ट डे आ गया है फ्राइडे, थैंक गॉड, शुक्र है लास्ट डे आ गया, अब आगे वीकेंड है, छुट्टियां हैं। ठीक है, द डेली रोजाना की ग्राइंड, मुश्किल काम ऑफ स्कूल, स्कूल का ग्राइंड का मतलब है मुश्किल काम, बोरिंग काम, जब इंसान कर रहा हो तो वो मुश्किल लगता है। ठीक है, तो ग्राइंड उस काम को कहते हैं जो मुश्किल हो, बोरिंग हो, और इंसान को फिर भी करना पड़ रहा हो। ठीक है, द डेली ग्राइंड, रोजाना का जो मुश्किल काम था ऑफ स्कूल, स्कूल का, विद इट्स, उसके साथ, यानी विद साथ, इट्स, उसके, अबंडेंट, वाफिर, बहुत ज्यादा तादाद में, होमवर्क, घर का काम, इट्स, उसका, फियर्स, शदीद, कंपटीशन, मुकाबला। इट्स जो है ना, ये होमवर्क की तरफ इशारा किया गया है कि उसका मुकाबला, कि कौन अच्छे से अच्छा काम करके जो है वो लाएगा, ये जो है ना कंपटीशन, ये उसकी तरफ इशारा है। द सेंस और एहसास ऑफ नेवर, के कभी नहीं, बीइंग, होना या होंगे, एबल, काबिल, टू रिलैक्स, आराम करने के, प्रेस्ड, दबाया, दबाव रखा, हैवीली, शदीद या शिद्दत के साथ, अपॉन, ऊपर, मी, मेरे, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद के, द फैक्ट, हकीकत के, दैट के, आई, मैं, ऑफन, अक्सर, इंजॉयड, लुत्फ उठाता था, द एक्चुअल, हकीकी, क्लासरूम वर्क, जमात के या स्कूल के काम से। जो रोजाना का मुश्किल काम था स्कूल का, उसके साथ उसका, वाफिर, घर का काम, और उसका शदीद मुकाबला, एहसास के कभी नहीं होंगे काबिल, आराम करने के, दबाव रखा शिद्दत के साथ मेरे ऊपर, इसके बावजूद, हकीकत है कि मैं अक्सर लुत्फ उठाता था,
हकीकी स्कूल के या क्लासरूम के काम से। वेकिंग अप, जागना इन द मॉर्निंग, सुबह में, विद साथ द नॉलेज, इल्म के, आगाही के, दैट के वन वन, जहां भी लिखा हुआ आएगा ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है यानी इंसान, वन इंसान। सिंपली साफ तौर पर, हैड टू गेट आउट, निकलना ही पड़ेगा, गेट आउट निकलना पड़ेगा, हैड टू होना ही होगा, गेट आउट निकलना। ऑफ बेड, बिस्तर से, दैट के देयर वॉज नो, यहाँ नहीं है पॉसिबिलिटी, कोई भी इम्कान। ऑफ किसका, टर्निंग ओवर, करवट बदल कर, करवट बदलना, लेटना, टर्निंग ओवर करवट बदलने का, टर्निंग ओवर का मतलब है जब इंसान साइड बदल कर, करवट बदल कर दोबारा लेटता है दोबारा सोने के लिए, ये वो टर्निंग ओवर है, ठीक है। पॉसिबिलिटी, इम्कान ऑफ टर्निंग ओवर, के करवट बदल कर लेटा जाए। फोर के लिए एन एक्स्ट्रा, इजाफी डोज, गनूदगी, एंड गनूदगी ऐसी नींद को कहते हैं जो कच्ची होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए इंसान वैसे ही दोबारा लेट जाए अपनी पूरी नींद लेने के बाद थोड़ी देर के लिए, उसे गनूदगी कहते हैं, डोज, ठीक है। एंड और सीइंग, देखना, द आवर्स, घंटों को, ऑफ स्कूल, स्कूल के, स्ट्रेचिंग लंबा होते हुए, अहेड अपने सामने, वॉज था, अ डिसमिल एक मायूस कुन एक्सपीरियंस तजुर्बा, स्पेशली खास तौर पर, ऑन अ मंडे, पीर के दिन। जागना सुबह के वक्त साथ इस इल्म के इंसान को साफ तौर पर बिस्तर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है कोई भी इम्कान दोबारा करवट बदल कर इजाफी गनूदगी के लिए। और देखना घंटों को स्कूल के लंबा होते हुए अपने सामने था एक मायूस कुन तजुर्बा, खास तौर पर पीर के दिन। वी हमारे पास, हैड थी, अ मेड एक मुलाजमा, वंस एक दफा, हु जो, वुड कर सकती थी या करती थी, क्लाइंब चढ़ना, ईच मॉर्निंग, ईच हर एक मॉर्निंग सुबह, विद साथ, ग्रिम खौफनाक, स्टेप्स कदमों के, अप ऊपर टू द एटिक बलाई कमरे को, फ्लोर मंजिल को, यानी एटिक वो कमरा जो बिल्डिंग में सबसे लास्ट वाला फ्लोर ऊपर का होता है ना कमरा, उसको एटिक कहते हैं, जो छत के साथ अटैच होता है, तो वो ऊपर टू द एटिक बलाई कमरे को, फ्लोर बलाई कमरे को, फ्लोर मंजिल पर, वेयर जहां लॉयनल एंड आई, लॉयनल और मैं, स्लेप्ट सोते थे, इन वन बेडरूम एक कमरे में, एंड माय सिस्टर और मेरी बहन सिल्विया, सिल्विया इन अनदर दूसरे कमरे में, एंड अनाउंस और ऐलान करती थी, इन डीप यानी वो मेड जो है वो ऐलान करती थी, इन डीप गहरी फ्यूनरल मातमी टोन्स लहजे में, अगर यहाँ ई होता तो ये लहजा होता, टोन्स लहजे में, लॉयनल डेविड सिल्विया टाइम, लॉयनल डेविड सिल्विया वक्त हो गया। हमारे पास एक मुलाजमा थी एक दफा, जो चढ़ती थी हर सुबह साथ खौफनाक कदमों के ऊपर बलाई कमरे की मंजिल को, जहां लॉयनल और मैं सोते थे एक कमरे में और मेरी बहन सिल्विया दूसरे कमरे में, और वो ऐलान करती थी गहरे मातमी लहजे में, लॉयनल डेविड सिल्विया वक्त हो गया। आई यूज टू, मुझे आदत थी लाए लेटने की, वेटिंग इंतजार करते हुए, फॉर दैट, फॉर के लिए, दैट वो, ओमिनस मनहूस, ओमिनस ऐसी चीज को या ऐसे इंसान को या ऐसी किसी भी चीज को कहते हैं कि जिसे आप देखो तो उससे खौफ पैदा हो इंसान के अंदर और एक फीलिंग क्रिएट हो कि कुछ बुरा होने वाला, ठीक है, उसे कहते हैं मनहूस। आई यूज टू, मुझे आदत थी लाए लेटने की, वेटिंग इंतजार करते हुए, फोर के लिए, दैट वो, ओमिनस मनहूस, ट्रीड कदमों की, चाल की, ऑन ऊपर, द अनकार्पेटेड बगैर कालीन वाली एटिक बलाई कमरे की स्टेयर्स सीढ़ियों पर, एंड और द वॉइस, वो आवाज, इट वो, इट यहाँ पे स्टेयर्स को कहा गया है कि जब उस पे कदम रखे जाते थे वो मेड जब आती थी चलती थी तो इट यानी वो स्टेयर्स जो है हेरेल्डेड निकालती थी सुनाती थी
ऐलान करती थी, हेरेल्ड का मतलब है ऐलान करना, ठीक है, किसी चीज की आगाही देना। हेरेल्डेड जो आवाज, इट वो सीढ़ियां हेरेल्डेड निकालती थी, आवाज ऐलान करती थी, साउंडेड सुनाई देती थी इन माय ईयर्स मेरे कानों में, लाइक जैसे अ समन्स बुलावे हो। अब यहाँ पे एस है, ढेर सारे बुलावे हैं, मतलब जितने भी स्टेप्स रख रही है वो खादमा, यानी जितनी भी स्टेयर्स हैं, जितने भी वो कदम रख रही है, हर एक कदम जो है एक बुलावा है। तो समन्स बुलावे टू की तरफ, डैमनेशन अजाब, ठीक है, अजाब की तरफ। मुझे आदत थी लेटने की, इंतजार करते हुए उन मनहूस कदमों के, बगैर कालीन वाले भलाई कमरे की सीढ़ियां चढ़ने की, और जो आवाज वो निकालती थी ऐसी सुनाई देती थी मेरे कानों में, जैसे बुलावे हों अजाब की तरफ।